नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं टू एस्टैब्लिश द इक्विवेलेंस ऑफ कैपुलर्स लॉ कैपुलर्स लॉज फ्रॉम प्लानिट्री मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है मतलब अगर कैपुलर्स लॉ लेकर चलते हैं तो हम बताएंगे कि वो न्यूटन्स लॉ को भी फॉलो करेंगे यानी उसको सेटिस्फाई करेंगे अगर न्यूटन्स लॉ लेकर चलते हैं तो हम बताएंगे कैपुलर्स लॉज को भी वो सेटिस्फाई करता है ठीक है तो फर्स्ट हम लेकर चलते हैं फर्स्ट डिड्यूस थ्री कैपलस लॉस फ्रॉम ग्रेविटेशनल लॉस जो ग्रेविटेशनल हमारा जो लॉ होगा इससे हमें कैपलरस लॉस प्रूव करने है ओके तो सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं ओके इसके बाद हम सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे राइट टेक सन एज फिक्स्ड पार्टिकल फिक्स्ड पार्टिकल जो कि हम सन uh, को लेकर चलते हैं फिक्स पार्टिकल इन स्पेस एंड सेंटर एज ठीक है पी ऑफ R थीटा पोजिशन ले लेते हैं हम पी ऑफ R थीटा प्लानट की पोजिशन ले लेते हैं जो कि थीटा एंगल बनाएगा और आर इसका रेडियस वेक्टर होगा बी पोजिशन ऑफ पोजिशन ऑफ प्लैनेट मतलब हम कुछ इस फॉर्म में लेकर चलेंगे P पॉइंट ये रेडियस वेक्टर हो गया एंगल थीटा हो गया ठीक है एट टाइम टाइम टी टी कि वो t time में थीटा एंगल बना रहा है और ये रेडियस वेक्टर हमारे पास आएगा आर रेडियस वेक्टर देन हम कैपुलस लॉ हैं ग्रेविटेशनल लॉ से ग्रेविटेशनल हमारे पास है उससे हम तीनों कैपुलरस लॉज को प्रूव करेंगे है ना देन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं यहाँ पे एफ पर यूनिट मास एफ हमने लिया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्लैनेट इज गिवन बाय कैसे बता सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम लेते हैं दिस इज एफ इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस ठीक है तो एफ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल के लिए हमने म्यू क्या ले लिया कॉन्स्टेंट ले लिया जो कि पॉजिटिव कॉन्स्टेंट रहेगा सो so, डिफरेंशियल अब हम जो सेंट्रल ऑर्बिट में हम पढ़ के चले उन्हें का यूज करेंगे द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज क्या थी भाई डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस u equals to f by h square u square ठीक है यहां से हम इसका यूज करेंगे सबसे पहले हम f की वैल्यू पुट कर लेते हैं क्या वैल्यू है f की म्यू बाय आर स्क्वायर f की वैल्यू हमने पुट किया म्यू बाय आर स्क्वायर यहां से चलो एक बार मैं लिख देती हूँ आर स्क्वायर वन बाय आर क्या है यू है तो इस वन बाय आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे भाई

क्योंकि म्यू बाय एच स्क्वायर है कांस्टेंट, ऑल राइट अब देखिए जो म्यू बाय स्क्वायर है ये है कांस्टेंट वैल्यू म्यू भी क्या था कांस्टेंट है एच भी कांस्टेंट वैल्यू है राइट तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं डी स्क्वायर बाय थीटा स्क्वायर यू माइनस म्यू बाय एच स्क्वायर ध्यान से देखिए इसको जब आप ओपन करेंगे तो डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर ये वाला टर्म आ गई यहां पर डेरिवेटिव करोगे तो जीरो हो जाएगा समझ गए तो इस टर्म को केवल इस टर्म को हमने इस टाइप से लिख दिया इस फॉर्म में लिख दिया प्लस ये एज इट इज रहेगी यहां से यहां तक u माइनस म्यू बाय एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो केवल इसको सॉल्व करने के लिए क्लियर दैट यहां पर हम पुट कर लेते हैं पुट u माइनस म्यू बाय एच स्क्वायर को हम x ले लेते हैं u एक्स लिया सो so, ये आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू जीरो यहां से आप इसको एक्जल uh, क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लो और इसको आपको सॉल्व करना है ठीक है सो दिस बिकम्स डी स्क्वायर अगर मैं डी बाई डी थीटा को लेती हूँ डी सो दिस बिकम्स डी स्क्वायर प्लस वन एक्स को लिया कॉमन इज इक्वल्स टू जीरो एक्सनरल इक्वेशन क्या आएगी डी स्क्वायर प्लस था यहाँ पे प्लस वन इक्वल्स टू जीरो एंड डी इक्वल्स टू प्लस माइनस आइटा सी एफ क्या होता है भाई अगर हम कॉम्प्लेक्स uh, नंबर्स में हमारे पास आता है सो जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन यहाँ से आप फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हो जो x हमने पुट किया था ये फर्स्ट इक्वेशन आप ले सकते हो इसको ठीक है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इस इक्वेशन सॉल्यूशन इज तो यहाँ से जब हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं क्योंकि आप यहाँ पर स्टैटिक्स पढ़ रहे हो थोड़ा देखिए क्या होता है अगर d की वैल्यू आती है अल्फा प्लस आयोटा बीटा अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आप लेकर चल सकते हो क्योंकि कंजुगेट पेयर में होते हैं है ना जो भी रूट्स आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं प्लस माइनस आपको मिलेगा तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है सी एफ कैसे बताते हैं एक्स ही लेकर चल रही हूँ मैं यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स इज इक्वल टू या जैसे अगर मेरे पास है डी वाई बाई डी एक्स मतलब कि वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एल्फा एक्स C1 cos कॉस बीटा एक्स प्लस माइनस C2 टू साइन बीटा एक्स ठीक है क्योंकि दो वैल्यूज है यहाँ पे है ना अगर दो वैल्यूज हमारे पास है सो दिस बिकम्स ठीक है तो ये हमारे पास आता है सी एफ पार्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इसके तीन तरीके होते हैं लिखने के मोस्टली हम क्या करते हैं हम सिर्फ एक को ही देखते हैं ओके okay? इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एल्फा एक्स अब यहाँ पर एल्फा uh, जो वो रियल पार्ट है है ना सो सी वन कॉन्स्टेंट दो ही आएंगे सी वन सी टू सी वन ई रेज टू पावर एल्फा एक्स इन टू हम साइन और कॉस दोनों ना लेकर के सिर्फ कॉस ले लेते हैं बीटा एक्स प्लस c2 या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो e raised to power alpha x sin of beta x plus c2 तो इस cf पार्ट को आप तीन तरीके से लिख सकते हो राइट right? इसी को आप यहां पे लेकर आइए यहां हमारे पास है d is equals to plus minus iota यानी कि real part मेरे पास यहां पे zero है है ना alpha की value तो zero है e raised to power alpha तो zero हो जाएगा ओके okay? इधर मैं लिखती हूँ x इज इक्वल टू क्योंकि यहाँ पे x एक्स uh, किसका x इज डिपेंडेंट वेरिएबल थीटा इज इनडिपेंडेंट वेरिएबल ओके तो इधर से अगर मैं सोल्यूशन निकालती हूँ x इज इक्वल्स टू सी वन ई रेज टू पावर एल्फा जीरो है सो सी वन ई रेज टू पावर जीरो इन टू थीटा वो वन हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस ऑफ बीटा कितना है आईटा का मल्टीपल वन है थीटा प्लस सी टू तो यहां पर जो हमने आ, सी एफ लिया है वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिया है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ताकि छोटी कैलकुलेशन हो समझ आए तो ये हमारे पास आ गई X की वैल्यू ऑल राइट यहां तक क्लियर है अब यहां पर जो C1 C2 है वो आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट्स है ओके okay? अब यहां पे एक चीज और देखिएगा हम अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इस c2 को नेगेटिव ले लेते हैं क्योंकि देखिए c2 टू कॉन्स्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओके okay? तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी टू भी ले सकते हैं राइट right? अब यहां से जो हमने x की वैल्यू ली थी x हमने लिया था u माइनस म्यू बाय स्क्वायर ये x की वैल्यू उठाओ यहां पुट कर दो नाउ x इज इक्वल टू माइनस म्यू एच स्क्वायर x की वैल्यू क्या अभी हमने फाइंड आउट की c1 वन पुट कर दे uh, x, ये x की वैल्यू में यहां पुट करी टू वन कॉस ऑफ थीटा माइनस सी लिख सकते हैं ऐसा हमने x की वैल्यू उठाई और यहाँ पर पुट कर दी ठीक है एंड यहां पर अभी आपको इसको सॉल्व करना है एंड यहां पर u को हम पुट कर देते हैं वन बाय आर क्योंकि u मेरे पास क्या था वन बाय आर माइनस वन बाई यू बाय सॉरी म्यू यह है म्यू इसका ध्यान रखिएगा ये म्यू है म्यू बाय एच स्क्वायर इक्वल्स टू सी वन कॉस ऑफ थीटा माइनस सी टू ओके यहां पे बताओगे क्योंकि u की वैल्यू क्या है वन बाय आर है यहां पर जब डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर बाय म्यू डिवाइड बाय आर एंड इसको उठाओ इधर शिफ्ट कर दो ये कैंसिल हो जाएगा वन हो जाएगा राइट प्लस सी वन डिवाइड बाय म्यू बाय एच स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस सी टू ध्यान से समझिएगा यहाँ से यहां पर जो सी वन बाय म्यू है इसको मैं थोड़ा सा ठीक लिख देती हूँ मतलब कि इसको मैं ऐसे लिखूंगी सी वन डिवाइड बाय क्योंकि मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है ना थ्रू आउट म्यू बाय एच स्क्वायर राइट एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एच स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इसको मैं सॉल्व करके लिख देती हूँ सी वन एच स्क्वायर बाय म्यू लिख सकते हैं ऐसा आप इसको कंपेयर करो इक्वेशन इज एल बाय आर इक्वल्स टू वन प्लस ई कॉस थीटर ये क्या है ये है इक्वेशन ऑफ कॉनिक इन पोलर फॉर्म ठीक है तो यहां पर आप बताओगे ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है विच इज इक्वेशन ऑफ कॉनिक इन पोलर फॉर्म इन पोलर फॉर्म ठीक है अब आपको इसको कंपेयर करना है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पोलर फॉर्म में कॉनिक की इक्वेशन यहां से एल की वैल्यू क्या आ रही है यहां से कंपेयर कीजिएगा एल आ रहा है एस स्क्वायर बाय मिन एस स्क्वायर बाय मिन यहाँ से वन प्लस इंटू थीटा ये मेरे पास थीटा हो जाएगा यहाँ से ई e की वैल्यू क्या आ रही है ई e मुझे मिल रहा है सी वन एच स्क्वायर बाय म्यू ठीक है इधर का हम रफ कर लेते हैं देन कंटिन्यू करेंगे हमें यहाँ से असेंट्रिसिटी uh, मिल जाती है और uh, l सेमी लेटेस्ट एक्टम मिल जाता है क्लियर दैट अब क्योंकि इलिप्टिक हमारे पास चल रहा है जो हमारा ऑर्बिट बन रहा है वो इलिप्टिक ऑर्बिट है और यहां से इलेप इलिप्स जो होता है वो क्लोज होता है क्लियर दैट तो इसको मैं रफ कर देती हूँ उसके बाद करते हैं तो देखिए यहां तक क्लियर हो गया यहाँ पर जो हमें इक्वेशन मिली देखिए हम स्टार्टिंग में क्या लेकर चले थे हम लेकर चले थे इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट हम सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन लेकर चलते हैं और लास्ट में हमने बता दिया कि ये जो सेंट्रल ऑर्बिट है यानी कि पार्टिकल जो पाथ को डिस्क्राइब कर रहा है वो किस फॉर्म में इलेक्टिक फॉर्म में कर रहा है है हाँ ना इलिप्टिक फॉर्म में पाथ को डिस्क्राइब कर रहा है ओके okay? अब इलिप्टिक फॉर्म में अगर बन रहा है और हमने स्टार्टिंग में कहा था कि सन को क्या लेकर चल रहे हैं आज फोकस हम हमने जो सन को लिया था दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर पाथ हमारा इलिप्टिक है तो जो प्लानिट है जो इलिप्स बना रहा है इसका मतलब वो कैपुलर्स फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई करता है ओके क्योंकि इलिप्स जो वो क्लोज होती है राइट right. तो यहां से हम बता सकते हैं सिंस एलिप्स एज ओनली क्लोज कॉनिक क्लोज कॉनिक कॉनिक क्लोज आता है क्लोज क्यों कहा हमने ये जो इक्वेशन आई है ये जनरल इक्वेशन है कॉनिक की पोलर फॉर्म में हमें नहीं पता ये इलिप्स है या फिर हाइपर बोला है पैराबोला कैसे पता चलेगा देखिए हमने कहा कि कॉनिक जो क्लोज होता है केवल इलिप्स होता है पैराबोला हाइपर बोला क्लोज नहीं होते हैं है ना तो यहां से हम बता सकते हैं क्योंकि इलिप्स एक क्लोज कॉनिक है सो देयर फॉर प्लैनेट डिस्क्राइब डिस्क्राइब एन एलिप्स विद सन एट फोकस और यही क्या था कैपुलर्स फॉस्टला सो देयर फोर कैपलर्स फर्स्ट ला हॉल्स अब सेकेंड ला कैसे होल्ड करेगा ये हम देखते हैं सेकेंड ला के लिए तो यहाँ पे गिवन ये ही लगा लो देखें अभी हमें ये पता है कि अगर सेंट्रल ऑर्बिट में चल रहा है सेंट्रल ऑर्बिट ही हम लेकर चले हैं और सेंट्रल ऑर्बिट में जो सेक्टोरियल एरिया होता, होता है वो इक्वल होता है यही हमारा सेकेंड ला होता है कैप्लर्स का क्या कहता है अभी uh, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया सेक्टोरियल एरिया इज कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल टू एच बाय टू इसको आप थोड़ा सा और लिख सकते हो सेक्टोरियल एरिया इज ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर, ओके एच बाय टू की इक्वल है फॉर सेंट्रल ऑर्बिट ट्रल ऑर्बिट सेंट्रल ऑर्बिट में सेक्टोर एरिया हमारा कॉन्स्टेंट होता है और यही क्या है कैपल सो इंप्लाइज दैट कैपलस सेकेंड लल्सो होल्ड थर्ड लाक कैसे होल्ड करेगा ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूं मतलब कि इस आर्टिकल से पहले जो मैंने आपको करवाया था क्या लेकर चलना है सेंट्रल ऑर्बिट में टीकिस होता है एरिया ऑफ इलिप्स

हम लेकर चले हैं कि इसको फॉलो कर रहे हैं और कैप्लर्स लॉ को भी एग्जिस्ट मतलब ये इक्वलेंस हमें प्रूव करना हमें कन्वर्स पार्ट प्रूव करना पड़ेगा ओके चलिए देखते हैं कन्वर्स पार्ट करते हैं कन्वर्स में आपको क्या करना है हम लेकर चलते हैं लेट कैपलर्स कैपलर्स लॉस द्रेविटेशनल लॉ इसके लिए आपको क्या करना है कैपलस के तीनों लॉज का जो रिजल्ट uh, है वो आप यूज़ करेंगे और आप बताएंगे लास्ट में कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा वन बाय आर स्क्वायर के यही होता है ग्रेविटेशनल लॉ हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो आपको मासेस गिवन है सो जी इज अंस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल एम वन एम टू मास थे डिवाइड बाय आर स्क्वायर तो ये सारा का सारा कांस्टेंट है हम इसको लिख सकते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर जो कि फोर्स होता है दोनों पार्टिकल्स के बीच में है ना चलिए यहां से प्रूव कैसे करेंगे सबसे पहले हम कैप्लस सेकेंड लॉ का रिजल्ट लेकर चलते हैं फ्रॉम कैप्लस सेकेंड लॉ क्या, क्या कहता है एरियल वेलोसिटी एरियल वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट एरियर वेलोसिटी यानी कि h बाई टू इज कॉन्स्टेंट है h value, h by 2, यानि point, I think, ना एच की वैल्यू एच बाई टू यानी नाइन पॉइंट आई थिंक नाइन पॉइंट पेज पर जब हमने लेप्टेट ऑर्बिट पढ़ा था वहां पर एरियर वेलोसिटी की वैल्यू यानी एच बाई टू की जो वैल्यू आती है ये आती है वन बाय टू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी दिस इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एच बाय टू की वैल्यू पुट कर दी हमने ठीक है इसको आप शॉर्ट फॉर्म में थीटा डॉट लिख सकते हो थीटा डॉट का मतलब होता है डी थीटा बाई डी टी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी यहां पर हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी के यानी कि डी बाय डी टी इधर हमने डेरिवेटिव किया इधर इसका डेरिवेटिव करोगे क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो ये क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा यहां तक क्लियर है वन बाय टू कॉन्स्टेंट इधर जाके जीरो जाएगा तो मेरे पास आ गया डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो क्लियर है यहां तक अब यहां पर जो एक्सेलरेशन जो होती है वो दो टाइप की होती है एक होती है रेडियल एक्सेलरेशन एक होती है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ठीक है जैसे ये हमारे पास है वैसे आप स्टार्टिंग के चैप्टर्स में मैं आपको अच्छे से बता भी चुकी हूँ रीडियल और ट्रांसफर्स एक्सोरेशन क्या होती है पी पॉइंट इस टाइप से पार्टिकल मूव कर रहा है इस पी पॉइंट पर टेंजेंट हमने लिया इसके अला जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होती है रेडियल एक्सेलरेशन और इसके जो प्रपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होती है वो ट्रांसफर्स एक्सेलरेशन होती है ना तो यहाँ पर जो ट्रांसफर्स एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी जीरो आर स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर डी डी डीजीटा इक्वल्स टू जीरो आ गया है ना सो देयर फॉर ट कॉम्पोनेट ऑफ एक्सलरेशन ये जीरो है इसका मतलब ट्रांसवर्स कॉम्पोनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ़ द पार्टिकल इज वैनिश ओके पार्टिकल इज वैनिश ओके इसका मतलब जो प्लेनेट हमारे पास है उसके पास केवल रेडियल एक्सेलरेशन है ट्रांसवर्स तो है ही नहीं क्योंकि डी वाई डी टी आसपी डावाई डी टी इक्वल्स टू हमारा जीरो आ जाता है ओके दैट मीन्स या एम्प्लाइज दैट प्लैनेट हैज ओनली रेडियल एक्सेलरेशन प्लैनेट के पास केवल रेडियल एक्सेलरेशन है जो कि डायरेक्ट होती है किसकी तरफ सन की तरफ डायरेक्टेड डायरेक्टेड टूवर्ड्स सन ओके अच्छा जी इसका क्या मतलब हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेंट्रल क्योंकि एक्सेलरेशन किधर जा रही है सन की तरफ जो कि फिक्स पॉइंट है राइट इंप्लाइज़ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेंट्रल एंड डायरेक्टेड डायरेक्टेड टुअर्ड्स सन ये रिजल्ट मिल गया हमें कि भाई जो एक्सेलरेशन एक्सेरेशन फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन है वो सेंट्रल एक्सेलरेशन है और किधर जाती है सन किधर जो कि फिक्स पॉइंट होगा है ना जो कि सेंट्रल ऑर्बिट का ही एक रिजल्ट होता है अब देखते हैं यहाँ से ये रिजल्ट हमने निकाल लिया सेकेंड लॉ से कैपलर के सेकेंड लॉ से फ्रॉम कैपलर फर्स्ट लॉ कैपुलस फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो पाथ है प्लानट का वो इलिप्टिक है राइट पाथ ऑफ प्लैनेट प्लैनेट इज इलेप्टिक ठीक है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं प्लानट वो इलेप्टिक फॉर्म में है अबाउट सन फिक्स पॉइंट क्या है यहाँ पे सन है अबाउट सन राइट न इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ एलिफ्स हैविंग पॉल एज फोकस ये इक्वेशन uh, uh, जो है वो याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी जो अलग अलग टाइप्स होती है ना हैविंग पॉल एज पॉल ऑन फोकस आप बोल सकते हो पॉल एट सन एज फोकस एस एल बाय आर इक्वल्स टू वन प्लस ई कॉस थीटा ये जो इक्वेशन होती है ना यहां पर जो पॉल यानी जिसको हम कहते हैं वो कहाँ होता है फोकस पर होता है तब हम ये जो इक्वेशन लेकर चलते हैं कॉनिक की पोलर फॉर्म में राइट ये आपको याद रखना पड़ेगा यहां पर जो ई e है वो क्या है सेंट्रिसिटी ओके okay? और ए यहाँ पे क्या है लेस देन वन क्यों क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं भाई इलेप्टिक पाथ बन रहा है एलेप e बन रहा है तो यहाँ पे ए e की वैल्यू लेस देन वन होती है और राइट सॉल्व कर लेते हैं वन बाय आर को आप यू पुट कर लो यू इन टू एल इक्वल्स टू वन प्लस ई कॉस्ट थीटा लिख सकते हो राइट right? यू की वैल्यू निकाल लो यू इज इक्वल्स टू वन बाय एल वन प्लस ई कॉस थीटा ठीक है डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा के क्योंकि हम इसको कहाँ तक लेके जाएंगे सेंट्रल ऑर्बिट तक पहले ही बता दिया हमने कि इसकी जो फोर्स है वो फिक्स पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं डी यू बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ई साइन थीटा अगेन डिफ्रेंश डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ई काीटा ठीक है ओ oh, डिवाइड में एल भी है वे एल क्योंकि यहाँ पे एल है ना वन बाय एल ओके यहाँ से हमने डिफ्रेंशिएशन किया फोर्स एफ हम लेकर चलते हैं फोर्स एफ पर यूनिट मास पर यूनिट मास किस में सेंट्रल ऑर्बिट में ओके फॉर सेंट्रल ऑर्बिट Is given by. क्या फॉर्मूला होता है हमने ये पढ़ा हुआ है एफ इज इक्वल्स टू एच स्क्स डी स्क्वायर यू बाई डी थीटर फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है हमने सेंट्रल ऑर्बिट में यहां पर हमें वैल्यूज पुट करनी है यू और डी स्क्टर स्क्वायर यहाँ से वैल्यू उठाओ इधर पुट करो एच स्क्वायर ये वैसे कैलकुलेशन सेंट्रल ऑर्बिट में हम बहुत ज्यादा कर चुके हैं यू की वैल्यू हमारे पास है यू इज़ वन बाय एल दिस वैल्यू वन प्लस ई आप इसको मल्टीप्लाई कर दो वन प्लस ई कॉस थीटा ठीक है एंड डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज दिस माइनस ई कॉस् थीटा बाय एल ओके अगर इसको सेपरेट भी करते हैं तो वन बाय एल प्लस ये लिख सकते हैं ये इसे कैंसिल हो जाएगा राइट right. तो हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू वन बाय एल ये इससे कैंसिल हो गया ना एच स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइड बाय है ना एच स्क्वायर एल इंटू आर स्क्वायर यू को हमने लिखा है यहाँ पर वन बायू इज इक्वल टू वन बाय आर ठीक है तो यहाँ से फोर्स को हम लेकर चले थे एफ इज इक्वल टू दिस टी यहाँ पे क्या है भाई टी हम ले लेते हैं टाइम पीरियड इसको एक बार के लिए यही छोड़ रहे हैं टाइम पीरियड फॉर एन एलेप्टिक ऑर्बिट एलेप्ट ऑर्बिट ओके सो टी किसके इक्वल द टाइम पीरियड कैप्लस ला के अकॉर्डिंग दस इक्वल्स टू एरिया ऑफ एलिप्स डिवाइड बाय रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू कई बार कर लिया हम नहीं पाई ए बी डिवाइड बाई एच बाई टू कैप्लस थर्ड ला के पास फ्रॉम कैप्लस थर्ड ला क्या कहते हैं कि टी स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू टू ए क्यूब यानि कि टी स्क्वायर यहाँ से टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे टी स्क्वायर आप ए क्यूब को इधर ले आओ इक्वल्स टू प्रपोर्शनल के लिए कोई कांस्टेंट चाहिएगा एनी कांस्टेंट वैल्यू लिख सकते हैं ऐसा क्योंकि टू तो क्यूब और प्रपोर्शनल का एक कांस्टेंट हम लेकर चलेंगे राइट यहाँ से हम टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई टी हमारे पास आया है टू पाई ए बी डिवाइड बाय एच कर लेते हैं इसको ओके सो दिस इज टू फोर स्क्वायर करना है पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू ओके यहाँ से फोर पाई स्क्वायर एंड ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसके बाद हमारे पास डिवाइड बाय अच्छा h भी था यहाँ पे h स्क्वायर क्योंकि हमने t का स्क्वायर करना है ना डिवाइड बाई एच स्क्वायर ए क्यूब से स्क्वायर कैंसिल हो गया बी स्क्वायर बाय ए इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इधर राइट हैंड साइड पे क्या चल रहा है कॉन्स्टेंट वैल्यू चल रही है ऑल राइट बी स्क्वायर बाय ए क्या होता है सेमी लेटेस्ट राइट एल की वैल्यू होती है फोर पाई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इंटू एल इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड यहाँ से अगर मैं एल बाय एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूँ एल बाय एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर पाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा हर एक प्लानिट के लिए कॉन्स्टेंट अब थोड़ा सा इसको हमें और सॉल्व करना है एल बाय एच स्क्वायर मेरे पास क्या मिल जाता है कॉन्स्टेंट वैल्यू मिल जाती है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एच स्क्वायर बाय एल इज एकवल टू ये भी क्या होगा वन बाय कॉन्सटेंट यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू ही आएगी अगर आप इधर भी इसको डिवाइड कर देते हो तो ये मेरे पास क्या रहेगा ये भी कॉन्सटेंट ही रहेगा कॉन्सटेंट वैल्यू ये हम ले लेते हैं म्यू तो एच स्क्वायर बाय एल इज टू मेरे पास आ जाती है वैल्यू म्यू एच स्क्वायर बाय एल इक्वल्स टू म्यू अब हमने एफ जो फोर्स फर्स्ट इक्वेशन का ही लिया था नहीं लिया था तो हमें इसको फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ दस ये वाला नाउ एफ की वैल्यू मेरे पास आई थी एच स्क्वायर बाय एल इंटू आर स्क्वायर ये वैल्यू उठाओ और यहाँ पुट कर दो इम्प्लाइज दैट एफ इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय एल इज म्यू इंटू वन बाय आर स्क्वायर दैट मीन्स एफ फोर्स इज प्रपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर विच एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है तो ये कंडीशन हमें प्रूव करनी थी कि अगर कैपुलर्स लॉस हम लेकर चलते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं तो हमें बताना था डिड्यूस द ग्रेविटेशनल लॉ तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है ठीक है तो ये आर्टिकल uh, वैसे देखने में बहुत बड़ा है लेकिन ईजी है सिंपल है और एग्जाम में आ सकता है कि नहीं आ सकता बिल्कुल आ सकता है इसमें इतना ज़्यादा लंबा चौटा कंटेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाय टेक केयर